तो ये देखे बेबी की हो चुकी है मॉर्निंग। हे गुड मॉर्निंग, तो ये देखिए अभी आज हम अपने बेबी की मॉर्निंग रूटीन, हम पूरे डे की रूटीन आज करेंगे फ्रेंड के साथ शेयर। यस, तो अभी इधर करो बेबी को, ये बेबी, ये हमारी ब्राउनी भी है, ये बेबी ब्राउनी हमने कब का हमने डिसाइड करके रखा था। तो अभी हम उठे हैं सभी, नाश्ता रेडी कर हो रहा है बस, उसके बाद हम करेंगे नाश्ता और बेबी को भी करवाएंगे नाश्ता। बेबी को भी कुछ भी नहीं खाता है, बस दूध पीता है। अभी इसका आगे पॉटी करेगा, फिर हम पैम्पो पैम्पो डालेंगे, साफ कर लेंगे इसे। बेबी आपका घर ले हो, आपको लोनाला है, अभी आपको भूख हो गई है, तो अभी मैं फिर बॉयल करके लाती हूँ वॉश करके, फिर मैं आपको पैम्पर चेंज कर लूँगी। और ये देखें जी, मेलन अभी रो रहा है और हम इसको देने लगे हैं दूध। तो मैंने स्पॉइल पॉइंट पानी डाला 150 पानी डालकर और 5 पॉइंट, ठीक है। और ये है फोर, दूध आना चाहिए। ओके ओके, और 5, ओके। ये हम दूध यूज कर रहे हैं बेबी के लिए, अभी लग गई है बेबी जी को भूख, तो हम बेबी को बुलाने लगे हैं। जूजू बेबी, जूजू मैलन, जूजू जूजू, अच्छे से शेक करना है ताकि ये जो पानी और दूध मिक्स हो जाए, वो पाउडर होता है ना, तो उसको अच्छे से मिक्स करना होता है। तो अभी ये दूध पीता है, तो हम बाद में बात करते हैं भाई। अभी हम चेंज करने लगे हैं मेलबर्न के कपड़े। तो अभी भी बेबी ने दूध पी लिया है, तो अभी हम इसको करवाते हैं हजम, ठीक है। छोटे से बीबी को तो कंधे के साथ लगा के हम कराते हैं ना, तो ये भी बहुत छोटा है, अभी 4 माह का होने वाला है, लेकिन ये खुद से ही देखना इससे हो जाएगा। मैं ये ना कपड़ों पे फिर दूध सारा गिरा देता है, मैं इसके कपड़े भी मुझे फिनिश करना करना से, इसके चावल से कितना टिश्यू ताकि हम इजीली कर सकें। तो अभी हम वाइप्स के साथ बेबी को साफ करेंगे। ध्यान से बेबी के फेस पे नहीं लगाना है इसको, और ये हमारी बेबी की स्किन को वो शॉकी शॉफ्टी से लगेगा, तो सॉफ्ट हाथों से इसको करना है। और इसको बच्चों से दूर रखना है, छोटे बच्चों जो मतलब जो मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं उनके उनसे भी दूर रखना है, ठीक है। और मैंने इसके साथ इसके हैंड इसीलिए साफ किए, मैं बाद में इसके टॉवल्स के साथ साफ करूँगी, ताकि जॉनसन ने जो इन्होंने लिक्विड डाला है वो इसके मुंह में मत जाए, ठीक है। तो ये देखिए अंडरआर्म सब कुछ इसको अच्छे से साफ करना है, ताकि इसे अच्छी सी स्मेल आए। जैसे हम भी थोड़ा सा कर सकते हैं कानों के पीछे से, ये देख सकते हैं बेबी के ये जो कान के ये वाले हिस्से होते हैं ना, इसको भी साफ करना है। ये इसे दूध जब निकलता है ना, ये देखिए फिर वो जम जाता है, जिससे ये सॉफ्ट हाथों से करना है बिल्कुल, ताकि उसको इरिटेशन ना हो और कोई उसके बॉडी पे ना कोई ज़ख्म भी ना बन जाए। देखिए बहुत सॉफ्ट हाथों से, थैंक यू। इतने थोड़े से वक्त में आप सबने लाइक किया है, बहुत सारे लाइक्स हैं, व्यूज़ हैं, सब्सक्राइब है, मैं बहुत थैंक यू करती हूँ आप सबका, ठीक है।
तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा कान को भी इसको हमने ऐसे कर लेना था कि ये जो दूध वगैरह हो ये गिरता है ना, बच्चे जब रात को लेटे हों या ऐसे ही लेटे खेल रहे हों तब भी चला जाता है कान में। ओके, इसने मुंह में हाथ डाल लिया, ये मुझे पता नहीं चला बातों में, तो मैं इसकी इसी शर्ट के साथ साफ कर देती हूँ जो मैंने, बल्कि मैं इसके टॉवल के साथ ही करूँगी, मैं इसका रिस्क मत ही लूँ, अभी गंदी है। अभी नाइट ड्रेस था उसका, वो मैंने उतार दिया, तो अभी मैं अच्छे से, ये देखें आप देख सकते हो कितने क्यूट ये हैंडी होते हैं बच्चों के, ये जो फिंगर के ये पार्ट्स हैं इनको भी आपने ये देखिए क्लीन करना है, यहाँ से ऐसे करके सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से, हार्ड नहीं हाथ यूज़ करने बच्चों के लिए खास कर। चले अब वो इजीली मुंह में डाल सकते हैं, ये देखें हमारे घर में ब्राउनी है तो उसके बहुत सारे बाल होते हैं जो बेबी के हाथों में आ चुके होते हैं, तो वो हमें बार बार उसको साफ़ करना होता है। ठीक है, वाह बेबी देख सकते हैं बातें कर रहा है, बातें कर रहा है, ये बली बातें करता है। ठीक है, ये हो गया साफ, तो अभी हम थोड़ा सप्लाई करेंगे लोशन इसके फेस पे, इस हम लोशन लगा के भी इसके फेस को अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। अभी हमारे चल रहा है एसी, तो मैंने सोचा अभी बाहर क्या लेके जाना है इसको, इधर इसको करते हैं वॉश, ऐसे इसको साफ करके इसको नीट एंड क्लीन करके इसको सुला देना। अभी मैंने ये देखे टिश्यू के साथ कर सकते हैं, मैं इसको अभी तो वैसे गर्मी है, ड्राई स्किन तो नहीं होती बच्चों की, लेकिन ये देखें पाउडर ऐसे हथेली पे डाल के ऐसे आपने इसको करके ये देखे ऐसे लगाना है, डायरेक्ट नहीं लगाना, ये देखे डायरेक्टली आपने बिल्कुल नहीं करना अप्लाई, क्योंकि वो बेबी के आइज में नाक में मुंह में चला जाएगा पाउडर, फिर वो बहुत इरिटेट होगा, और ये देखिए ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि पाउडर लगा है, और बेबी को अच्छी अच्छी खुशबू भी आ जाएगी। तो हम पहले कर रहे हैं इसके ये पाउडर लगा लें, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही बेबी से। ठीक है, तो अभी को शर्ट टी शर्ट पहनाएंगे, फिर हम इसको छापी छापी और बिब पहना देनी है फौरन से पहले, क्योंकि इतना जो चार माह दो माह तीन माह पाँच माह का बेबी होता है वो बहुत दूध निकालता है, तो इसलिए हमें इसको जल्दी जल्दी से बिब लगा देनी है ताकि ये अपने कपड़े गंदे मत। अरे यार इस तरह से ये देखिए, ठीक है ऐसे लगा दी बिब, और अब इसको अलार्म से लिटा दिया। वो कुशन दो मुझे ताकि मैं इसको ये इस पे लिटाते हैं ताकि इसका ये जो सर ऊंचा रहे, और ये वो देखो अभी ये डिस्टर्ब हो रहा है बहुत, ये जो होते हैं ना वाइप्स इनको हमने फ्लश में नहीं मतलब गिराना, ठीक है इसको हमने डस्टबिन में फेंकना है, तो ये देखिए ये जा रहा है डस्टबिन में। ठीक है, अभी मैं करने लगी हूँ बेबी की टांगे साफ। ठीक है, ये उतरने लगा है ट्राउजर, तो ये जो रात का पैम्पर था अभी ये उतारूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसके ये देख, ये पैम्पर को आपने इस तरह खोल कर, ये जो मॉम्स होती हैं उनको ये इसका ध्यान रखना होता है, ये जो पार्ट्स हैं इसको ऐसे से देखना है खोल के अच्छे से, इधर से भी ऐसे, क्योंकि ये मौसम जो है बड़ा बुरा है, इसमें बहुत सारी इंसेक्ट्स वगैरह कुछ भी मतलब हो सकता है, पैम्पर्स में भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने अच्छे से इसको ऐसे करके खोलकर फिर ध्यान से देखकर फिर हमने इसको लगाना है। ठीक है, अब मैं एक और वाइप्स निकालूंगी। ओ देखा, आप देख सकते हैं बीबी ने निकाला है डूडू, तो ये इसका काम है, ये इसका यही काम है, ये बात बेबी नहीं करती। तो देखें अभी मैं उतारूंगी पैम्पर बेबी का, रूटीन का ये काम है, तो अभी इधर रखो, अभी आप हमारे बाबू को देख सकते हैं पैम्पर, ये देखें ये मैंने पैम्पर को उतारा, मैंने इसको ऐसे किया अच्छे से फोल्ड किया, इधर देखें, और ये है डस्टबिन। ठीक है, और इसके अंदर फेंका, हमने इसको बाहर नहीं फेंकना है, सफाई का भी खास ख्याल रखना है। ठीक है, ये डस्टबिन है और इसमें हमने इसको फेंक दिया है, देखें फिर मैंने साफ किया यही वाइप से बेबी को, उसकी टांगों को, हाँ जी बेसलम से बाबू की टांगों को, तो ये देखें ये ऐसे खोल कर टांगों को हमने करना है साफ,
सारी टांगे अच्छे से। बेबी गर्ल हो बेबी बॉयज हो तो उसकी इस पार्ट को हम छुपा कर प्लीज कर सकते हैं। तो ये देखें ऐसे अच्छे से बिल्कुल उसको अच्छा फील होना चाहिए। सफाई तो खास कर बेबी की रखनी है, जब भी पैंपर उतारना है लगाना है या जो अगर नहीं भी पहना है, अगर उसने आपने उसको चड्डी पहनाई है मतलब निकर पहनाई हुई या पजामी पहनाई है, तो आपको ये गौर करना है कि जब भी वो सुसु करे बार बार करे, आपने उसको बार बार वाइप से कर लो, अगर सर्दी है तो वाइप्स ही सही रहेंगे, उसको हम उससे ड्राई कर सकते हैं। लेकिन उसको ऐसे हमने निकर नहीं पहनानी कि मतलब वो गंदा हो और उसको ऐसे ही पहना दिया जाए, ऐसे रैशेज होते हैं, ऐसे बहुत सारे जर्म्स बेबी को लगते हैं और वो हेल्दी भी नहीं होता है, वो ना एक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, जितना बेबी साफ़ सुथरा रहेगा उतना एक्टिव भी रहेगा और नीनी भी कर लेगा। तो ये देखिए अभी मैं लगा रही हूँ इसको डाइपर, और पता नहीं मैं हर मॉम का हर एक का अपना होता है तरीकाकार, लेकिन मैं ये आपको ये बता रही हूँ कि मेरा ये तरीका, मैं ऐसे लगाती हूँ। तो आप जैसे करते हैं आप अच्छे ही कर रहे होंगे। तो हमें ना थोड़ा सा लोशन अप्लाई करना है, वो हमने ऐसे लगाया उसके पास। अभी हम लगाते हैं कि हर ठीक है। तो ये देखें हम बनाने जाले हैं शॉर्ट बेबी को। अगर आप हमारे बेबी को पसंद करें तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ये देखिए जी, अब बेबी ने अपनी ये देखिए धोने वाली निकर पहन ली, जो नाइट का ड्रेस है ये इसका नाइट ड्रेस है। ठीक है, ये देखिए अभी मैं इसको वॉश करूँगी, पहले मैं इसको अच्छे से समेट के रखती हूँ ताकि ये धोने वाले इसके कपड़े। ये तो अभी मैं प्रेस करके रखूँगी, ये वाले ये अभी मैं पहनाने लगी थी, मैंने कहा प्रेस करूँगी फिर। ठीक है, इसको हम रखेंगे इसकी कबर्ड में, या आप इसकी कबर्ड देख सकते हैं, ये इसकी नानू ने इसको गिफ्ट किया था। देख सकते हैं कितना ज्यादा जूजू निकालता है। तो फ्रेंड्स इतने जूजू निकालता है मुझे प्लीज कमेंट में बताएं कि ये कब तक निकालते हैं, मुझे ना भूल गया, मेरे बच्चे तो बड़े हो गए लेकिन फिर भी ऐसा ही लगता है ये तो। चले ये देखिए जी, ओए मुझे ना इसका रुमाल चाहिए। तो आप लोग ना ज़्यादा लंबी वीडियोस देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं शॉर्ट में लगाना पसंद करूँगी। तो मतलब आपको ये था कि मदर्स के लिए मैंने ये बताया कि ऐसे जो न्यू मदर्स बनती हैं, मतलब नई नई सी उनकी शादी होती है, फिर बेबीज होते हैं, उनके लिए भी ठीक है। और बाकी मैं परफेक्ट मदर तो नहीं बना कह सकती खुद को, लेकिन अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है वो आप बता सकते हैं कि आपने इधर ये गलत किया, तो मुझे सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखें, हाँ रवि भी खराबी होके दिखाएगा आपको। ये हो चुका है लैडी शैडी और अब नीनी करने के लिए, तो मैंने वो झूला है हमारा, तो हम इसको मैंने उधर झल्ली बांध दी है ठीक है दुपट्टे के साथ, तो वो मैंने उतार दिया इसका वो झूले का वो जो होता है पार्ट। ठीक है, वो गर्मी में नहीं लटा सकते उसको, चाहे एसी भी चल रहा हो, लेकिन एसी हम इतनी देर में थोड़ी चलाएंगे, अभी बंद कर देंगे, लेकिन वो झल्ली में बहुत सुकून से सोएगा और वो ये समझता है कि वो मम्मा की गोद में। ठीक है, वहाँ पे वो बड़ा रिलैक्स होकर सोता है बेबी। तो हमारी जो ब्राउनी है वो बहुत शोर कर रही है। तो चले ठीक है, इसके साथ हम अभी की वीडियो को करते हैं बाय बाय बेबी, अभी नहीं निकलेगा। बाय बेबी, बाय एवरीवन, बाय। ये देखिए फिर से दूध निकाल रहा है, मैंने बहुत दफ़ा साफ किया इसको, ये सारी यूज हो चुकी है। ठीक है, तो अभी हम बेबी को झुलाने जा रहे हैं झूले में। ये है झल्ला, झल्ली बांधी है जिसको पंजाबी में तो लोग जानते होंगे चिलूंगी बोलते हैं, हम पंजाबी ही हैं, तो इसलिए हम ये देखें झल्ली में लगाने लगे हैं। ये झूला ही है इस टाइप का, लेकिन मेरे ख्याल में ये बच्चों के लिए ज़्यादा रिलैक्स, छोटे बेबीज के लिए उनको बहुत अच्छी नींद आती है, रिलैक्स होते हैं। तो चले अभी ये सोने लगा है, तो हम इसको डिस्टर्ब किए बगैर करवाते हैं। नहीं, बाय।